हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रैंडम वीडियोस विद निशी। और मैं हूँ निशी। दोस्तों, समर्स आ चुकी हैं और समर्स में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्किन की। स्किन में हमें प्रॉब्लम आती है टैनिंग की, और साथ ही साथ हमारे जो स्किन में नेचुरल ग्लो वो चला जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इन प्रॉब्लम्स को हमने किस तरह से बाय बाय टाटा बाय बाय करना है और इसके लिए हमें करना क्या है। दोस्तों, मैं एक स्किन केयर फॉलो कर रही हूँ, स्किन केयर रेजिम फॉलो कर रही हूँ, जिससे मैंने बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा है अपनी स्किन पे। तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी तीन प्रोडक्ट्स की जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारी स्किन केयर रूटीन में होना। द फर्स्ट वन इज द फेशियल किट, सेकेंड वन इज द रेडियंस लोशन, द थर्ड वन इज द सनस्क्रीन। और ये तीनों ही तीनों जो आपको मैंने स्टेप्स बताए, फेशियल करना हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो इम्प्योरिटीज अंदर जा चुकी होती है हमारे स्किन में, वो सिंपल फेस वॉश से नहीं निकलती है, तो उसके लिए फेशियल यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इस टाइम पे आई डोंट थिंक कि हमें बाहर जाकर फेशियल कराना सेफ है, तो क्यों ना घर पे ही फेशियल किया जाए। सेकेंड स्टेप मैं आपको बताऊंगी लोशन में कौन सा यूज कर रही हूँ, रेडियंस लोशन, और थर्ड सनस्क्रीन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है टू यूज दिस ऑक्सीब्लास्ट ऑक्सीजन एनर्जाइजिंग फेशियल किट। इस तरह से पैकेजिंग में आता है और इसके अंदर आपको 7 सेशेस मिल जाएंगे, 7 स्टेप्स। यानी ये देखिए स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, और इसी तरह से आप जाएंगे तो आपको 7 स्टेप मिल जाएगा, स्टेप 7। तो काफी इजी हो जाता है इसे यूज करना, क्योंकि हर सैशे पे लिखा है, डायरेक्शंस दी गई हैं दैट हाउ यू हैव टू यूज दिस, एंड दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। प्राइस की बात कर लें तो प्राइस है इसका ₹300, जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। नेक्स्ट वन इज दिस O2C2 रेडियंस लोशन, अ स्पेशल फॉर्मुलेशन टू एनहांस द नेचुरल रेडियंस एंड शाइन ऑफ द स्किन। ये यहाँ पे लिखा है ऑल स्किन टाइप्स एंड दिस इज नॉट सूटेबल फॉर सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन स्किन। जब आप इसे ओपन करेंगे इस पैकेजिंग को, इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, इसे जब आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ मिलेगा प्रोडक्ट, और ये पंप फॉर्म में है, जो काफी मतलब कन्वीनियंट कर देता है यूज करना। और अगेन यू विल गेट ऑल द डायरेक्शंस हाउ यू हैव टू यूज दिस, व्हेन यू हैव टू यूज दिस। एंड इसका प्राइस की बात कर लें तो इट्स ₹970। थर्ड वन इज दिस डर्मा शेड ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA एंड UVB SPF 30 स्प्रे फॉर्म में आपको मिलता है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पर्सनली, क्योंकि स्प्रे फॉर्म इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट टू यूज। एंड इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलेगा अंदर से, और यहाँ पे लिखा है दैट दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स इंक्लूडिंग सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन स्किन। यहाँ पे भी सभी डायरेक्शंस दी हैं कब यूज करना चाहिए एंड एवरीथिंग। और इसके प्राइस की बात कर लें तो वो है ₹575। तो चलिए अब मैं आपको ये सब यूज करके दिखाती हूँ। दिस इज द फर्स्ट सेशे, फर्स्ट स्टेप, और इसे हमें पहले हम इसे कट कर लेंगे। इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट है उसे हमें अपने हाथों में लेना है और सारा का सारा सेशे हमें अप्लाई कर लेना है। सो दिस इज आर स्टेप 1, ऑक्सीब्लास्ट क्लेंजिंग जेल। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है सिट्रस लेमन फ्रूट एक्सट्रैक्ट। इसे हमने इस तरह से अपने हाथों में जो भी कंटेंट सैशे में है वो ले लेना है और अपने फेस पे सर्कुलर मूवमेंट में अप्लाई करना है। इसे जो भी डर्ट इम्प्योरिटीज हमारे फेस पे होगा वो निकल जाएगी, और नेक्स्ट स्टेप्स के लिए हमारा फेस प्रिपेयर, हमारी स्किन प्रिपेयर हो जाएगी, और एक डैम्प टाल या कॉटन के साथ हम अपना फेस क्लीन कर लेंगे। तो चलिए स्टेप सेकंड की ओर चलते हैं, और सेकंड स्टेप है ऑक्सीब्लास्ट डीप पील। इसमें ये जो पील है, डीप पील, ये आपकी स्किन से जो भी डेड स्किन सेल्स है उसे रिमूव करेगा, यानी एक्सफोलिएट करेगा आपके डेड स्किन सेल्स, एंड इट विल रिजुविनेट योर स्किन। इसे आपको अगेन पूरा जो कंटेंट है सेशे में उसे आपको अपने फेस पे लगाना है, और मैं यहाँ पे अब स्टीम का यूज़ कर रही हूँ। और जब आप इसे स्टीम लें उसके बाद अगेन
you have to massage for 2 minutes with steam and for 3 minutes without steam. और यू विल लव दिस स्टेप. इसे आपको सर्कुलर मूवमेंट में ही इस तरह से मसाज करना है. एंड अगेन आपको वाइप ऑफ करना है विद द हेल्प ऑफ डैम्प कॉटन और डैम्प टॉवल. अब हम थर्ड स्टेप की ओर चलेंगे विच इज़ ऑक्सीब्लास्ट स्किन ऑक्सीजनरेटर. इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जिंक, पीसीए, क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट. ये जो भी एंटायर कंटेंट है सैशे का वो आपको पोर करना है एक कॉटन में और इसे इस तरह से अप्लाई कर लेना अपने पूरे फेस पे. आप देखेंगे जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरह से आपको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है. सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 4 विच इज ऑक्सीब्लास्ट रिजुविनेटिंग सीरम. द सीरम हैज एक्टिव्स दैट सूथ, मॉइस्चराइज एंड हेल्प इन स्किन फर्मिंग. इससे आपकी स्किन बिल्कुल फर्मनेस आ जाएगी एंड यू विल गेट दैट मॉइस्चराइजेशन. इसे भी इस तरह से आपको पूरा सैशे अपने फेस पे लगाना है एंड यू हैव टू मसाज जेंटली एंड लीव ऑन. इसे इसी तरह से अपने फेस पे रहने देना है और अगले स्टेप की ओर चलना है. लेट्स मूव फर्दर विद आवर स्टेप 5th, ऑक्सीब्लास्ट डीप पेनिट्रेटिंग मास्क. दिस क्रीम बेस्ड मास्क इम्प्रूव्स स्किन टोन व्हाइल नरिशिंग द स्किन. और इसमें जो इंग्रेडिएंट है मेन दैट इज़ विटामिन ई. इसे किस तरह से आपने अप्लाई करना है, आई लव दिस स्टेप. इससे पहले तो आपको सारा जो भी कंटेंट है सैशे में उसे अपने फेस पे लगा लेना है जिस तरह से मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ. देन इसके बाद दोस्तों आपको एक क्लिंच फिल्म ले सकते हैं या जैसे मैंने ये घर पर ही फेस मास्क एक शीट से बनाया है, शीट फेस मास्क. इसे मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है एंड इसके बाद मैं स्टीम ले रही हूँ. स्किन को स्टीम देंगे हम फॉर 3 to 5 मिनट्स और हम इसे इसी तरह से दिन रहने देंगे, लीव ऑन फॉर 10 to 15 मिनट्स और हम मैं इसे रिमूव कर दूँगी. एंड अगेन यू कैन वाइप ऑफ विद डैम्प कॉटन लाइक दिस. अब आ गया हमारा स्टेप 6 एंड दिस इज़ ऑक्सीब्लास्ट एनर्जाइजिंग क्रीम. और ये बहुत ही मेन पार्ट स्टेप रहता है किसी भी फेशियल का. दिस क्रीम एनर्जाइजेस एंड नरिश स्किन, मेक इट लाइटर एंड रेडियंट. अगेन यू हैव टू टेक ऑल द एंटायर कंटेंट ऑफ सैशे ऑन फेस और आप इसे इस तरह से जेंटली मसाज करेंगे इनटू द स्किन विद लाइट अपवर्ड स्ट्रोक्स. और अगर आपको लगता है कि आपके हाथ ड्राई हो रहे हैं, यू कैन डिप हैंड्स इन वाटर और फ्रूट जूस टू फैसिलिटेट फेशियल मसाज. एंड आई लव दिस स्टेप. इनफैक्ट सभी स्टेप्स बहुत ही सूदिंग है एंड यू विल फील द डिफरेंस. हर एक स्टेप जब आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि आपकी स्किन में चेंज आना शुरू हो गया है. तो अब हमारा है लास्ट स्टेप 7 विच इज़ ऑक्सीब्लास्ट रेडियंस मास्क. ये जो मास्क है आपकी स्किन को टाइटन एंड ब्राइटन करेगा इंस्टेंटली. जैसे ही आप इसे अप्लाई करेंगे और रिमूव करेंगे यू विल फील दैट ब्राइटनेस ऑन योर स्किन. और इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है एलोवेरा, कैनेडियन विलो हर्ब. इसे अब आपको अपने फेस पे अप्लाई करके रखना है फॉर 8 to 10 मिनट्स और उसके बाद यू हैव टू यूज डैम्प टॉवल टू वाइप ऑफ. गाइस तो फर्स्ट स्टेप मैंने कर लिया है, कंप्लीट हो चुका है. 7 स्टेप्स मैंने फॉलो किए आपने देखे और बहुत इजी था इसे यूज करना एंड आई कैन फील द डिफरेंस. काफी फ्रेश फील हो रहा है और काफी फर्म लग रही है मेरी स्किन. मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका रिजल्ट. तो चलिए सेकेंड स्टेप की ओर चलते हैं. सेकेंड स्टेप में हमें यूज करना है O2C2 रेडियंस लोशन. तो
पहले मैं फेशियल किट मैंने यूज की, तो जो आपको यूज करनी है, और उसके बाद हर दिन, यानी जो फेशियल किट है आपको महीने में एक बार यूज करनी है, और ये जो O2C2 लोशन है, रेडियंस लोशन, ये आपको एवरी डे लाइक रोजाना यूज करना है, और 2 times यूज कर सकते हैं आप इसे, मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी वाटरी है, बहुत ही इजीली मुझे लगता है। ये देखिए, पहले आपको यहां दिखा देती हूं कितनी इजीली ये स्किन पे अप्लाई हो रहा है और एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। तो चलिए इसे अप्लाई कर लेते हैं फेस पे। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप, द लास्ट स्टेप, एंड दिस इज माय फेवरेट स्टेप, इज टू अप्लाई द सनस्क्रीन। सनस्क्रीन अप्लाई करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी स्किन केयर करें, कोई भी प्रोडक्ट्स यूज करें, कोई भी ब्रांड के यूज करें, बट सनस्क्रीन अप्लाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर शेरल्स कॉस्मेटिक्स डर्मा शेड ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA UVB और SPF 30 प्रोवाइड करता है। ये स्प्रे फॉर्म में है, वेरी कन्वीनियंट टू यूज। लेट मी शो यू, ये देखिए इस तरह से स्प्रे ये आएगा, और बहुत ही लाइट वेट है, एंड कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपकी स्किन इसे एब्जॉर्ब कर देगी। नो व्हाइट कास्ट, व्हाइट कास्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, और स्टिकीनेस की भी प्रॉब्लम रहती है। तो चलिए लेटर पे हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। इफ यू नीड मोर यू कैन टेक मोर, वन मोर पंप। एंड दैट्स ऑल। ऑल गाइज, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, एंड वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाय बाय।